बिहार और पूर्वांचल का सबसे महत्वपूर्ण लोक पर्व छठ हरिद्वार में भी पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। हर की पेड़ी समेत तमाम घाटों पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए लोग जमा हो गए, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ सूर्य को अर्घ्य दिया और परिवार के कल्याण की कामना की। वर्ती प्रियंका ने बताया, जो भी सूर्य भगवान की आराधना सच्चे मन से करता है उसकी सभी कामनाएं पूरी होती है। हरिद्वार में छठ पूजा के चलते हर की पेड़ी समेत सभी गंगा घाटों पर अनुपम दृश्य देखने को मिला। बता दें कि छठ पूजा का व्रत चतुर्थी को शुरू होकर सप्तमी को संपन्न होता है। इस दौरान सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं। माना जाता है कि सूर्य भगवान की आराधना करने से सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। मेरा नाम प्रियंका है और छठ के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी, इसकी काफी ज्यादा मान्यता है बिहार में, तो है ही, शुरू से बिहार में चलता आ रहा है और इसके साथ साथ अब और ज़्यादा बाकी लोगों की भी मान्यता बढ़ गई है कि हमारे कुछ भी हम लोग अगर मांग के अर्घ देते हैं या रोज़ाना भी हम इसे अर्घ दिया जाता है इसमें, तो ये हमारे शरीर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। जैसे कि सूर्यदेव हमारे शरीर के लिए काफ़ी स्वास्थ्य अच्छा होता है इससे, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सूर्यदेव का जो है हमारे पूरे संसार में बहुत अच्छा रोल है, तो इसकी पूजा हर किसी को करनी चाहिए, सिर्फ बिहार में ही नहीं, हर जगह पूरे संसार में इसकी पूजा होनी चाहिए। और इसको लेके हमारे बिहार में काफ़ी ज़्यादा एक इमोशंस कनेक्टेड है, जैसे कि कोई भी